वेरी वार्म रिगार्ड्स टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ डॉक्टर जसविंदर कौर, एमडी आयुर्वेदा फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। टुडे आई वुड लाइक टू शेयर सम टिप्स रिगार्डिंग हाउ टू बूस्ट अप योर इम्यूनिटी। नो डाउट यू आर लिसनिंग दीज टिप्स, दीज इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम हियर एंड देयर डेली एंड वेरी फ्रीक्वेंटली, बट आई एम श्योर दैट यू आर नॉट फॉलोइंग ऑल द इंस्ट्रक्शंस। Because you are getting these instructions from here and there, and probably you might be confused what to do and what not to. So this session will definitely provide you all the instructions, all the awareness regarding boosting up your immunity collectively at one place. So let me start. सबसे पहले तो जब आप सुबह उठते हैं तो 10 मिनट के लिए प्राणायाम का टाइम निकालिए। मैं आपको बिल्कुल दिन के अकॉर्डिंगली कि क्या आपको करना है और क्या नहीं करना है इस तरह से बता के चलती हूँ। तो सबसे पहले जैसे ही आप सुबह उठते हैं तो 10 मिनट के लिए प्राणायाम का टाइम निकालिए। प्राणायाम में आपको अनुलोम विलोम करना है, भ्रामरी है और कपालभाति। अनुलोम विलोम इज वेरी सिंपल, सिंपली जो है एक नॉस्ट्रिल को बंद करके और दूसरे नॉस्ट्रिल से सांस खींचना है और पहले से फिर उसे छोड़ते हुए जो है निकालना है, एक्सहेल करना है। तो इट वुड बी बेटर कि लेफ्ट से स्टार्ट किया जाए, जब एंड किया जाए तो वो लेफ्ट से ही किया जाए। दिस इन दिस वे दिस इज द वे। देन भ्रामरी है, भ्रामरी में जो है हमारी ब्रेन की सभी जो नर्व्स रहती हैं उनके अंदर स्ट्रेंथनिंग रहती है और हम स्ट्रेस फैक्टर से भी दूर हो जाते हैं, जिसमें गुंजन की आवाज आती है। तो ये सब आपको जो है मिल जाएगा। मैं आपको नाम बता रही हूँ, कपालभाति, भ्रामरी और अनुलोम विलोम। थोड़ा टाइम निकालिए जिसमें कि आपने ओम का उच्चारण करना है। इन दिस वे आप जो है सिद्धासन में बैठते हुए जो एक बार इनहेल करेंगे और लंबा ओम का उच्चारण फिर करेंगे। दिस इज वेरी साइंटिफिक एंड इट इंक्रीजेस द लंग कैपेसिटी। इस तरह से आपने 8-10 बार ओम का उच्चारण करना है। फिर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजर घर पर ला सकते हैं जिसमें कि 3 बॉल्स रहती हैं एंड यू हैव टू ब्लो दीज बॉल्स जो है उसे उड़ान के लिए। उसमें जो है उससे जो है लंग्स की स्ट्रेंथनिंग होती रहती है। आपने देखा होगा 3 बॉल्स रहती हैं और वो जो है आप अगर ब्रीदिंग एक्सरसाइजर डालेंगे, स्पायरोमीटर डालेंगे नेट पे तो उसकी इमेजेस आपको दिखाई दे जाएंगी, तो वो आप लाके रख सकते हैं। देन शंख जो है ये आपको मैं बिल्कुल मॉर्निंग से इवनिंग तक का, रात तक का पूरा दिनचर्या के अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ। जो लोग शंख बजा सकते हैं वो शंख बजाएं, जो लोग नहीं बजा सकते वो उसकी प्रैक्टिस करें। शंख नाद न केवल मानसिक संतुष्टि देता है पर साथ ही जो है उसमें भी साइंटिफिकली लंग्स की कैपेसिटी को इंक्रीज करने की क्षमता रहती है। So it's not just the religious rituals, but it has the scientific role also. So go for that. Then comes how to maintain our mouth hygiene. अब जो है सुबह उठ के जो प्राणायाम आपने किया उसके बाद जो है आप गार्गल्स कीजिए हल्दी और नमक के पानी से। गार्गल्स करने हैं, माउथ की हाइजीन मेंटेन करके रखिए। जिस टाइम भी खाना खाएंगे, खाना खाने के हर टाइम, खाना खाने के बाद आपको सिंपल पानी से ही चाहे कुल्ला कर लीजिए या आप त्रिफला के पानी से भी कुल्ला कर सकते हैं। तो डोंट बी सो लेजी और सो टुत्सम कि स्वाद खाना खाया है स्वाद है और स्वाद के चक्कर में पड़ते पड़ते हम लोग जो हैं इस चीज को और बहुत आलसी होते चले जा रहे हैं। ये टिप्स हम फॉलो नहीं करते हैं। बहुत छोटी छोटी बातें हैं पर हैं बहुत बहुमूल्य। तो इट्स वेरी नेसेसरी टू मेंटेन आवर माउथ हाइजीन।
kindly forget about the taste and maintain your mouth hygiene at your priority in this pandemic era. There is nothing more important than the good health, which is said to be the principal capital asset for all of us. Then comes आयुष काढ़ा जो है मार्केट में अवेलेबल रहता है. आजकल तो बहुत सी संस्थाएं बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन इसे जो है फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं. हमारे कॉलेज की तरफ से भी ये जो है घर घर में प्रोवाइड किया जा रहा है. अगर आपको घर पे बनाना हो तो उसमें भी जो है आप बना सकते हैं, जिसमें 4 parts तुलसी रहती है, 2 parts में शुंठी और 2 parts में ही दालचीनी और 1 part काली मिर्च का रहता है. तो इसका सेवन करें आप. और किस तरह बनाना है मैंने आपको बताया. जितनी आपने काली मिर्च ली है उससे डबल क्वांटिटी में आप शुंठी लीजिए. उतनी ही क्वांटिटी जितनी में शुंठी ली है उतनी क्वांटिटी में दालचीनी, या काली मिर्च से अगर हम कहें तो डबल क्वांटिटी में दालचीनी रहेगी और काली मिर्च से 4 गुना तुलसी रहेगी. तो इन सबको मिला के आप रख लीजिए और जब भी लेना है तो 150 ग्राम गर्म पानी में, 150 ml गर्म पानी में जो है इसको आप डाल लें. 3 ग्राम डाल के एक बार में लिया जा सकता है छान के, मुनक्का गुड़ या नींबू के रस के साथ नींबू डाल के लिया जा सकता है. तो ये आयुष काढ़ा सभी के लिए अच्छा है. सुबह शाम लें. बच्चों को हल्दी वाला दूध दे सकते हैं. हल्दी वाला दूध गोल्डन मिल्क यानी कि, तो गोल्डन मिल्क बच्चों को दिया जा सकता है क्योंकि गोल्डन मिल्क जो है हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है. तो दिस इज वेरी गुड फॉर हेल्थ. देन कम्स च्यवनप्राश. च्यवनप्राश लेना है. च्यवनप्राश में सभी ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करते हैं. और इसमें मेन इंग्रेडिएंट जो आंवला है वो विटामिन सी एनरिच्ड है. विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स रहता है. अगर आप च्यवनप्राश गोल्ड एनरिच्ड लें, स्वर्ण वाला लें, तो और भी अच्छा रहेगा. जैसे कि स्वामला आता है, विटामिन सी हमारी बॉडी के इम्यून सेल्स की ग्रोथ के लिए बहुत ही जरूरी है और कैपिलरीज की स्ट्रेंथनिंग के लिए भी बहुत जरूरी है. तो विटामिन सी इसमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में रहता है क्योंकि आंवला मेन इंग्रेडिएंट इसका आंवला है. आंवला को हमारे यहाँ रसायन भी कहा गया है. रसायन यानी कि रिजुविनेटिंग एजेंट. इट इज अ रिजुविनेटिंग एजेंट, रसायन औषधि है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करती है. इसके बाद आता है स्वर्ण प्राशन. जो लोग स्वर्ण प्राशन बच्चों को करवा रहे हैं वो कंटिन्यू रखिए, स्वर्ण प्राशन कराते रहें बच्चों को. इनफैक्ट जो है बड़ों के लिए भी हेल्पफुल है, बड़े भी ले सकते हैं. स्वर्ण बसंत मालती रस रहता है वो लिया जा सकता है. स्वर्ण बसंत मालती रस में जो है स्वर्ण की प्रिपरेशन, ये एक स्वर्ण की प्रिपरेशन है जिसमें स्वर्ण रहता है, मुक्ता है, मोती पर्ल रहता है, आयरन है, कॉपर है एंड जिंक है. ये सब प्रोसेस्ड वे में डले हुए हैं, भस्मों के फॉर्म में रहते हैं. तो प्रोसेस्ड फॉर्म में है सो दे आर नॉट हार्मिंग. कुछ लोगों का ऐसा मानना होता है कि मेटेलिक प्रिपरेशंस जो हैं वो हार्म करती हैं, लेकिन दीज आर इन प्रोसेस्ड फॉर्म सो डोंट बी कंफ्यूज्ड. स्वर्ण बसंत मालती रस में जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सभी अच्छे रहते हैं. जिंक जो है वो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है, इम्यून सेल्स की ग्रोथ के लिए हेल्पफुल है. ये जो कोविड में टेस्टलेसनेस हो रही है या स्मेल नहीं आ रही, इस तरह के सिम्टम्स मिल रहे हैं वो जिंक की डेफिशिएंसी की वजह से मिलते हैं. तो और गोल्ड तो नो डाउट इज वेरी गुड फॉर इम्यून सिस्टम. तो जिंक के सोर्सेस को और गोल्ड एनरिच्ड चीजों को लेने में ही समझदारी है ऐसे में. देन कम्स कि सबसे जो आहार की सबसे ज्यादा बात आती है, कौन सा आहार लें कौन सा नहीं लें. तो हितकर आहार, सात्विक आहार और जो श्रेष्ठ द्रव्य कहे गए हैं आयुर्वेद में, कुछ द्रव्यों को श्रेष्ठ कहा गया है. जैसे दालों में मूंग की दाल को श्रेष्ठ कहा गया है, वो लिया जाए. सीरियल्स में जौ का सत्तू बना के लिया जा सकता है. नमक में सेंधा नमक, घी में गोघृत बताया गया है. मुलेठी का सेवन कर सकते हैं. फ्रूट्स में अनार लें, संतरा लें, स्ट्रॉबेरी है, अमरूद है. दीज ऑल आर विटामिन सी एनरिच्ड फ्रूट्स. आंवले का सेवन हर तरह से हितकर है. आंवले का मुरब्बा भी लिया जा सकता है. आंवला कैंडी ले सकते हैं. बच्चों को आप आंवला कैंडी दीजिए, वो
खुश होके बीजते हैं, तो ये लीजिए। देन सब्जियों में क्या लेना है, सब्जियों में घिया, तोरी, हल्का खाना लें, परवल लें। गुरु आहार का सेवन जो है हो सके तो कम से कम करें। अग्नि जो है हमारी इसमें प्रभावित रहती है, किसी भी रोग में अग्नि प्रभावित रहती है। तो सब्जियों में घिया, तोरी, परवल, हरी सब्जियां सभी ले सकते हैं। तुलसी का सेवन हर तरह से हितकर बताया गया है, तुलसी हर तरह से हितकर है। ड्राई फ्रूट्स में आप अंजीर, मुनक्का और काजू, बादाम, अखरोट सभी ले सकते हैं। फिर ब्राउन राइस वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ। अब एक खास बात मैं आपको कहना चाहूंगी, जो भी खाना आप खाएं, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट टेक द वार्म फूड, फ्रेश फूड, सिंपल फूड, होममेड, ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फूड पे जाएं। डोंट टेक जंक फूड्स लाइक पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, मोमोज, ये सब जो है अच्छे नहीं है, ये सब हमारी इम्यूनिटी को सप्रेस करते हैं। देन रिफाइंड ऑयल्स शुड बी अवॉइडेड। देन कम्स हाइड्रेशन, मेंटेन योर हाइड्रेशन प्रॉपरली, पानी खूब मात्रा में लें, प्लेंटी ऑफ वाटर एंड अदर लिक्विड्स शुड बी टेकन, जिसमें कि नींबू पानी रहता है, काला नमक, काली मिर्च, अजवाइन और भुना हुआ जीरा डाल के आप नींबू पानी ले सकते हैं। हॉट मेडिकेटेड वाटर कैन बी टेकन, जिसमें कि शुंठी, दालचीनी और नागरमोथा, रक्त चंदन, इन चीजों से जो है पानी को मेडिकेटेड किया जाता है, संस्कारित किया जाता है। इस मेडिकेटेड पानी से, इस पानी से जो द्रव्यों से संस्कृत हुआ है, द्रव्यों के कारण जो संस्कारित होके जो पानी गर्म करके आप ले रहे हैं, उससे हमारे सभी स्रोतस प्यूरिफाई हो जाते हैं, ऑल द चैनल्स प्यूरिफाइड बाय टेकिंग दिस हॉट मेडिकेटेड वाटर। देन अणुतेल नस्य, अणुतेल नस्य जो है वो जरूर लेना चाहिए। नॉस्ट्रिल में, दोनों नॉस्ट्रिल में एक एक ड्रॉप जो है अणुतेल नस्य की डालिए, तो डालिए दोनों नॉस्ट्रिल्स में। अणुतेल नस्य की जगह आप गोघृत का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक एक ड्रॉप डाल सकते हैं। हो सके तो 10-15 मिनट सनलाइट के एक्सपोजर में रहिए। सनलाइट इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी, विच इज वेरी यूजफुल एंड रिक्वायर्ड फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन आवर बॉडी। सो बेटर टू बी इन सनलाइट फॉर अ फ्यू मिनट्स। शाम को एट द टाइम ऑफ सनसेट घर का कोई भी सदस्य अपने घर में वातावरण की शुद्धि के लिए धूपन क्रिया करें। धूपन जो है गूगल से और कपूर और वचा जैसी औषधियों से किया जाता है। घर में जैसे आप हवन करते हैं कुछ लोग, उसी तरह से ये प्रक्रिया होती है। उसी तरह से आपने गूगल, वचा, कपूर ये लेके जो है थोड़ा सा फ्यूमिगेट करना है, उससे जो है वातावरण की शुद्धि होती है और ये सभी के लिए बेनिफिशियल है। दीज ऑल आर नॉट द रिलीजियस रिचुअल्स, दीज आर वेरी साइंटिफिक एंड nowadays these are used to at hospitals also. Hospitals में भी ये सब किया जा रहा है, वातावरण की शुद्धि होना। इट्स नॉट दैट कि आप कहें कि ये हमारे उसमें नहीं और हम ऐसा नहीं कर, ऐसा नहीं है, इट्स वेरी साइंटिफिक। तो साइंटिफिक अप्रोच को समझते हुए आपने इसको करना है। इसके बाद मैं कहूंगी कि शाम को छत पे, लॉबी में, कहीं भी आपका बरामदा है, थोड़ी देर के लिए टहल लें, एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज करने से बॉडी में स्फूर्ति और एनर्जी रहती है। योगा इज आर बेस्ट फ्रेंड आई शुड से फॉर मेंटेनिंग आर गुड हेल्थ। देन विरुद्ध आहार का सेवन नहीं करना है। विरुद्ध आहार में क्या आता है कि जैसे हम दूध के साथ खट्टी चीजों का यूज करना वो अवॉइड करें, दही के साथ चाय या नाश्ते में हम लोग जो है पराठों के साथ दही ले रहे हैं, साथ में चाय ले रहे हैं या कॉफी ले रहे हैं, तो अवॉइड टेकिंग दही और कर्ड विद चाय एंड कॉफी। दूध के साथ खट्टी चीजें नहीं लेनी है। रात को सोते समय गुरु आहार का सेवन नहीं करना है। चावल है, राजमा है, छोले हैं, रात को आप ना लें, बहुत अच्छा रहेगा। और दूध के साथ जो है हैवी चीजों को भी मना किया गया है। कोई भी अभिशंधी आहार है या कफवर्धक आहार है
उसको आपने दूध के साथ नहीं लेना है, तो उससे जो है हमारे स्रोतस ब्लॉक होने के चांसेस होते हैं, स्रोतस में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं ऐसे आहार, तो कफ वर्धक आहार को दूध के साथ ना लें। और साथ ही जो है मात्रा के अकॉर्डिंग भी हमारे यहाँ पे बताया गया कि मधु यानी कि शहद को घी के साथ बराबर क्वांटिटी में कभी भी नहीं लेना चाहिए, उसे विष बताया गया है, तो उसकी क्वांटिटी जो है आपको अलग रखनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप शहद ले रहे हैं आधा चम्मच, तो उसकी जो है 1/4 क्वांटिटी में घृत लें, बराबर क्वांटिटी में ये कभी भी नहीं लेना है। एक्चुअली कुछ मेडिसिन में ये अनुपान के रूप में दिए जाते हैं, लेकिन उनकी क्वांटिटी जो है 4:1 के कॉम्बिनेशन में रखिए, 4:1 शहद इज टू घृत इज 4:1। जो लोग मद्दे का सेवन करते हैं उनके लिए मैं खास ये कहना चाहूंगी, इट्स टाइम टू बूस्ट अप आवर इम्यूनिटी, सो डोंट टेक एल्कोहल पूरा दिन। एक तरफ तो आपने पूरा दिन जो है अपनी ये सारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इन चीजों का सेवन किया, सारी इंस्ट्रक्शंस जो अभी मैंने दी वो सब फॉलो की, और दूसरी तरफ जो है एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टेकन द एल्कोहल। एल्कोहल हैज ऑल द क्वालिटीज टू सप्रेस आवर इम्यूनिटी। जितनी भी एल्कोहल में क्वालिटीज हैं, वो सब हमारी इम्यूनिटी को सप्रेस डाउन कर। प्लीज बी काइंड इनफ, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज बी काइंड इनफ नॉट टू टेक एल्कोहल फॉर द बेनिफिट ऑफ योर गुड हेल्थ एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ योर फैमिली। रात को 7 से 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है, हमारी जो है बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए रेस्ट जो है वो जरूरी रहता है, तो 7 से 8 घंटे की नींद सफिशियंट रहती है। एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अवॉइड टेकिंग स्ट्रेस। स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। कीप अवे फ्रॉम नेगेटिव थॉट्स, डोंट वॉच टीवी न्यूज चैनल्स फॉर द होल डे, थोड़ी देर देखिए आप, डोंट वॉच फॉर द होल डे। इससे क्या होता है कि स्ट्रेस से हमें, स्ट्रेस जो है वो फियर की तरफ जाता है, और फियर जो है वो हमारी इम्यूनिटी को अगेन सप्रेस करता है। अच्छा हाँ, एक बात और मैं कहना चाहूंगी यहाँ कि जो लोग इस टाइम अपनी जो है वेट कॉन्शियस होके डाइटिंग कर रहे हैं, उनके लिए खास एडवाइस करना चाहूंगी कि प्लीज डोंट डू डाइटिंग एट दिस पेंडेमिक एरा व्हेन यू स्पेशली नीड टू बूस्ट अप योर इम्यूनिटी। इम्यूनिटी को कॉम्प्रोमाइज करके डाइटिंग करना कहाँ की समझदारी है। दिस इज नॉट द एप्रोप्रिएट टाइम टू गो फॉर डाइटिंग। मोटे हो रहे हो कोई बात नहीं, दिस इज द टाइम टू बूस्ट अप योर इम्यूनिटी। अभी जो है इम्यूनिटी बनाना हमारा मेन पर्पस है, फर्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव वही होना चाहिए। जिंदगी सवारने के लिए जिंदगी पड़ी है, अभी तो वो लम्हा संभाल ले जहां जिंदगी खड़ी है। अभी तो वो लम्हा संभाल लो जहां जिंदगी खड़ी है। डाइटिंग बाद में भी हो जाएगी, और अगर इतने ही वेट कॉन्शियस हो तो एक्सरसाइज कर लो ना, व्हाई टू डू डाइटिंग। अभी डाइटिंग का कोई टाइम नहीं है, डोंट डू डाइटिंग एंड आप एक्सरसाइज कीजिए। वेट कॉन्शियस हो तो एक्सरसाइज करो ना, जॉगिंग की तरह से जो है थोड़ा जॉगिंग करो घर पे ही, कुछ आप डिस्टेंस बना लीजिए, छत पे बरामदे में कुछ डिस्टेंस में जॉगिंग कीजिए। और एक्सरसाइजेस, बहुत सी एक्सरसाइजेस रहती हैं जो वेट के लिए अच्छी होती हैं, वेट लूज करने के लिए, तो वो सब आप कीजिए। मोटापा घटाना है तो ये कोई तरीका नहीं है कि आप डाइटिंग करना शुरू कर लीजिए। अभी जो है आपको आहार से ही अपनी इम्यूनिटी को बूस्टअप करना है। हमारे पास अभी और कोई पोटेंट वेपन नहीं है कोविड से लड़ने के लिए, तो प्लीज़ इस बात को समझिए। तो बेटर है कि आप इस चीज़ को समझते हुए अभी जो है एक्सरसाइज को ज़्यादा फॉलो करेंगे। आई होप नाउ यू वॉन्ट हैव टू वेंडर हेयर एंड देयर to find out how to boost up your immunity, कौन सा आहार विहार करें। मैंने आपको सभी तरह का आहार और साथ ही साथ विहार कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, ये सब आपको इस छोटे से सेशन में सभी तरह के टिप्स दे दिए हैं। एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको सब चीज़ मिल जाएगी, इसके अलावा आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और फिर लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगी कि ये तो थी इम्यूनिटी कैसे बूस्टअप करें कि जब हम घर पे हैं। अब अगर सिम्टम्स हो जाते हैं, भगवान ना करे अगर सिम्टम्स डेवलप हो गए हैं,
तो ऐसे में आप जो है अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए और या फिर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। फिर भी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिम्टम्स अगर आए तो क्या ट्रीटमेंट करनी चाहिए, फॉर द वेरी फर्स्ट स्टेप आपको छोटे छोटे कुछ टिप्स लेके नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से आऊंगी। कीप वॉचिंग, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।